अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का मौसम आप लोग देखें, फिर मैंने कहा कि चलो मैं व्लॉग बनाती हूँ। जैसे मौसम खुशगवार, तो आज मेरा मूड भी खुशगवार बन गया व्लॉग के लिए। तो मैं अब स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ और हम स्कूल जाके मिलते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही प्यारा मौसम हो, लेकिन आसमान ना गरजे, क्योंकि आसमान गरजने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आप सबको डर लगता है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा जी, इंतज़ार करते करते और इस बारिश में मेरी गाड़ी भी आ चुकी है, तो मैंने कहा कि चले अब जाते हैं, क्योंकि गेट के पास ही मेरी गाड़ी खड़ी होती है, तो इसलिए अम्ब्रेला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बारिश, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, तो मैं जैसे आई हूँ तो ड्राइवर भी आ गए। उन्होंने मुझे डोर ओपन के दी, थैंक यू सो मच कि वो टीचर खड़ी ना रहे। अच्छा जी, आजकल ये दिन है पेपर्स के, और आज किस किस के स्कूल्स में पेपर हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बताएं, जो एज अ टीचर है वो भी बता दें। और मेरे स्कूल में तो स्टार्ट हो चुके हैं, और आज जो था सेकंड पेपर था इन बच्चियों का, और कुछ बच्चे जो है उनका नेक्स्ट डे होता है, एक दिन छुट्टी होके एक दूसरे दिन आना होता है। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा कि चलिए व्लॉग बना देते हैं, क्योंकि ये गर्मियों की पहली पहली बारिश हो रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा आसमान की कोई ना गरजने की आवाज़ थी, और ना आसमानी बिजली की चमक थी, तो मज़ा भी आ रहा था, कॉन्फिडेंट था कि चलिए बस वीडियो कैप्चर करें और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। तो आप लोग बारिश की आवाज़ सुने तो ऐसे तो मुझे फील होता है, आप में से किस किस को फील होता है कि बारिश की आवाज़ सुन के सुकून मिलता है। सेक्टर 9 मार्केट ये देखे, और ये किड़िए का मिनी बाज़ार है। यहाँ पे हर ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। किड़िए के लोगों को अगर इमरजेंसी पेश आए तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे छोटा सा बैग भी है, और यहाँ पे कैंटीन्स भी होते हैं, छोटे छोटे होटल्स भी हैं, जैसे कि कबीरा बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनके पिज़्ज़े, इनके शवारमेज एंड समथिंग, और कंप्यूटर की शॉप, फोटोकॉपी की शॉप, यहाँ पे सब सहूलत फराहम किए जाते हैं। अच्छा जी, स्कूल आ गए हैं। अभी तक तेज़ बारिश हो रही है, आप लोग ये देखें। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ कि आप लोगों को आप बारिश के खतरे को देख से सकें। ये देखें, हाँ।
अल्लाह हाफिज़। अब हमारा ऑफ टाइम है, अब हमारी छुट्टी हो चुकी है। बारिश तो नहीं थी लेकिन बादल जो थे वो थे बरसने वाले। जब हम इस टाइम इधर खड़े थे और थोड़ा थोड़ा बारिश बरसना स्टार्ट हो गया था, तो अच्छा मौसम था, तो मैंने कहा कि चले आप लोगों को दिखा दें कि हम अब घर जाने लगे हैं। और बहुत अच्छा दिन गुज़रा, बस अल्लाह करे कि ऐसे ही अच्छे दिन गुज़रते जाएं और बारिश भी अच्छे अच्छे होते जाएं और आसमान भी ना गरजे ना चमके और हम पे अल्लाह ऐसे ही मेहरबान हो। मुझे आसमान के गरजने से तब से डर लगता है कि एक दफ़ा मैं स्कूल जा रही थी तो आसमान जो है इतनी पेन रोशनी थी, इतने आसमान गरजने की आवाज़ थी कि मैं सोचती हूँ कि कयामत की अल्लाह माफ़ करे कि रोशनी और वो कैसी होगी गरजना। तो उस टाइम से मैं आसमान की चमक से और आवाज़ गरजने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। हमारा अल्लाह कितना मेहरबान, कितना हम पे रहम करने वाला है। मैंने आज विश जाहिर कर दी कि अल्लाह ऐसे बारिश कर दे कि आसमान ना गरजे ना चमकी बिजली, क्योंकि गर्मियों के बीच बारिश जब स्टार्ट हो जाती है तो आसमान का गरजना चमकना ये स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कहा कि अल्लाह आज जो हो ना गरजना हो ना चमकना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का पूरा दिन अभी तक तो स्टिल ऐसा ही गया है कि ना आसमान में बिजली भी चमकी है और ना आसमान गरजना स्टार्ट किया हुआ है। तो अच्छा जी, अब हम जो घर आ रहे हैं, अब सब अपने घरों जाएंगे और घर इस टाइम पर जब मौसम प्यारा होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे घरों में क्या बना होगा। और इस टाइम आप प्यारे मौसम में आप लोगों के घर क्या बनते हैं, और हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए रेड लोबियाँ बनाएं, और जिनको हम पश्तों में अपनी ज़ुबान में कुरखे बोलते हैं, रेड बीन्स बोलते हैं, इंडियन इसको राजमा भी कहते हैं। अच्छे जी, हम अपनी कुरखें इंजॉय करते हैं और खाना खाते हैं, तो आप लोग भी इंजॉय करें, सबके घरों में अल्लाह बरकतें डालें। और इसी के साथ मैं अल्लाह हाफिज़ करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी अच्छे जी अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छे जी, अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह।